साथियों, आज अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई इंटर्नशिप है वो आपको कितने महीने करनी है और किन किन साथियों को पूरे 2 साल ही इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तभी जाके मेरे प्यारे साथियों आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है ना। और जैसे मान लो आपने भाई लगातार 6 महीने से इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हो, तो इब आपको आगे कब तक इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। देखो साथियों, सबसे पहले जिन साथियों के फॉर्म अभी अप्रूव हुए हैं या आने वाले महीनों में अप्रूव होंगे या इस महीनों में आप के फॉर्म अपलोड होंगे, तो आप सभी दोस्तों को पूरे ही 2 साल इंटर्नशिप करनी है। यानी दोस्तों, आप जब इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे, जब तक आपको भत्ता मिलता रहेगा 2 साल तक, ठीक है। जैसे मान लो कि भैया आप लगातार 3 महीने के लिए इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हो, है ना, और बीच में यदि आप 1 महीने की लगातार छुट्टी कर लेते हैं, तो दोस्तों फिर आपका बेरोजगारी भत्ता है ऑटोमेटिक आपके जिला रोजगार कार्यालय से स्टॉप कर दिया जाएगा। इस चीज़ को नोट कर लेना। इसलिए आप छुट्टी कर सकते हो, लेकिन लगातार 15 छुट्टी आप ना करें। जैसे 1 महीना होता है, 1 महीने में 4 दिन कभी छुट्टी कर ली लगातार, कभी 2 दिन कर लो, है ना, ऐसे आप महीने में छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन लगातार आप 15 छुट्टी कभी मत करना, नहीं तो भत्ता ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका फॉर्म रीओपन भाई कभी नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को नोट कर लेना। जैसे हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जिनको लगातार 6 महीने इंटर्नशिप करते हो चुके हैं, तो दोस्तों क्या है कि भाई आपको 2 साल यानी 24 महीने इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो 24 महीनों में से आप जितने महीने इंटर्नशिप कर चुके हैं उतना घटा देना, तब तक आपको इंटर्नशिप और करनी होगी, ठीक है ना। क्योंकि इंटर्नशिप का नियम ये होता है कि सरकार ने कहा है कि हम आपको भत्ता तभी देंगे जब आप 4 घंटे इंटर्नशिप करने के लिए जो सरकारी दफ्तर होते हैं आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा, आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, आने वाले समय में हम ज़रूर इंटर्नशिप को बंद करवाने के लिए साथियों बहुत ही ज़ोर दौर तरीके से इसकी आवाज़ उठाएंगे, ठीक है ना। तो उसकी जो भी जानकारियाँ होंगी भाई अपन कैसे क्या करेंगे, वो जल्दी आपको रूबरू करवा दिया जाएगा, ताकि प्रदेश के युवाओं को घर बैठे बेरोजगारी भत्ता मिल सके। क्योंकि साथियों 2023 में विधानसभा चुनाव है, यदि अपन इसका मुद्दा उठाएंगे बहुत ही दिमाग लगाकर, तो साथियों निश्चित तौर से इसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा। इंटर्नशिप तो साथियों क्या चीज़ है ना, तो टेंशन ना लें।